इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पूरी की पूरी इस वक्त की सियासत जो है वो लखनऊ की तरफ मुड़ गई है। राहुल गांधी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, फ्लाइट उन्होंने बोर्ड कर लिया है और ये फ्लाइट सीधे दिल्ली से लखनऊ जा रही है। उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं लेकिन वो सीधे सर हिलाकर मना कर रहे हैं कि वो अभी फिलहाल कुछ नहीं बोलना चाहते। आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तीखे हमले किए थे सरकार पर। और हमारे तीन संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे आपको हम बता दें कि लखीमपुर से हमारे साथ समर श्रीवास्तव है, साथ ही साथ सीतापुर से हमारे साथ मौसमी सिंह है और लखनऊ एयरपोर्ट से हमारे साथ कुमार अभिषेक है। लेकिन सबसे पहले हम अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, आप ये बताइए, एक घंटे 15 मिनट की, लगभग 10 मिनट 15 मिनट की फ्लाइट है दिल्ली टू लखनऊ, थोड़ी देर में राहुल गांधी वहां पहुंचेंगे, लेकिन वहां पर इस वक्त कैसी तैयारियां हैं पुलिस की तरफ से, क्योंकि वो तो कह रही है, राज्य सरकार ने कहा है कि आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा अब यहां से। बिल्कुल वही दिखाई दे रहा है श्वेता, यहाँ पर 1:25 में उनकी फ्लाइट यहाँ पर पहुंचनी है, बाहर निकलने हैं, लेकिन आप देख लीजिए लखनऊ के एयरपोर्ट के बाहर, ये एयरपोर्ट का वो रास्ता है जो लखनऊ से सीधा एयरपोर्ट के भीतर घुसता है और यहाँ पर पुलिस की भारी तैनाती है। कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को एयरपोर्ट के भीतर नहीं जाने दिया जा रहा है। एयरपोर्ट यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर है और उन्हें मुख्य दरवाजे पर ही, मुख्य गेट पर ही उन्हें रोक लिया गया है और पुलिस की भारी तैनाती। इधर कांग्रेस के लोग दिखाई देंगे आपको, ये कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता दूर दूर से पहुंच रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी को पहुंचना है। हालांकि कई नेता अंदर पहुंच भी चुके हैं लेकिन जैसा कि कमिश्नर पुलिस जो कि लखनऊ के हैं, उन्होंने कहा है कि धारा 144 लगी है इसलिए राहुल गांधी को आगे नहीं आने दिया जाएगा। कुछ नेता हैं, उनसे पूछ लेते हैं, ये बताइए आप लोगों को रोका गया है क्या? रोका गया हम लोगों को, जो ना हम लोगों को रोका जा रहा है, लेकिन हम लोग राहुल गांधी जी के सिपाही हैं। राहुल गांधी जी एक विपक्ष की सही भूमिका अदा कर रहे हैं। आप लोगों को क्या कहा गया यहाँ पर? क्या हम लोगों को नहीं कहा गया कुछ, हम लोग खुद। अभिषेक, आप कार्यकर्ताओं से बात करिएगा लेकिन उससे पहले जरा हमें वहाँ की तैयारी की तस्वीरें दिखाए, वहां पर किस तरह से बैरिकेड्स लगाए गए हैं, किस तरह से पुलिस व्यवस्था है, जरा दिखाएं। और उनको सरकार द्वारा रोका जा रहा है। मैं आता हूं, मैं आपको दिखा दूं कि ये जो स्थिति है ये बैरिकेटिंग है, आप देख लीजिए। और यहां से गाड़ियां सिर्फ उन्हीं को निकलने दी जा रही है जो कि एयरपोर्ट जा रहे हैं, जो पैसेंजर हो सकते हैं तो उनको चेक करके, या तो सरकारी गाड़ियां हैं या जो पैसेंजर हैं वो जाने दिए जा रहे हैं। और जबरदस्त तरीके से बैरिकेटिंग और पुलिस की व्यवस्था आपको यहां दिखाई देगी। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हैं, वो लगातार पुलिस वालों से बात कर रहे हैं लेकिन उन्हें जाने की इजाजत पुलिस वालों ने नहीं दी है क्योंकि साफ तौर पर उन्हें रोका जा रहा है। धारा 144 का हवाला दिया गया है और राहुल गांधी को भी इसी बिना पर रोका गया है। और हम आपको पीछे दिखा दें कि एयरपोर्ट से गाड़ियां भी निकल रही हैं और वो गाड़ियां जा रही हैं जिन्हें जाना है। दूसरी तरफ लंबा जाम भी लगता हुआ दिख रहा है क्योंकि ये एयरपोर्ट का सबसे मुख्य इलाका है। हम आपको दूसरी तरफ जो एक तरीके से नोकझोंक चल रही है पुलिस वालों और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच, वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़े हुए हैं पुलिस वालों से और वो अंदर हर हाल में जाना चाहते हैं। हम कोशिश करते हैं बात भी करने की, दिखाने की। विधायक हैं उन्हें भी रोका गया है जैसा कि कह रहे हैं, कांग्रेस के विधायक हैं उन्हें रोका गया है और इस तरह की रोक पूरे एयरपोर्ट पर है। हम फिर कैमरामैन को कहेंगे कि वो दिखाएं क्योंकि यहां पर कांग्रेस से नोकझोंक लगातार चल रही है कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से।